साक्षी चैन और आप देख रहे हैं खबर हंड्रेड। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे हेडलाइंस की ओर। दिल्ली की घटना का इंदौर में हुआ असर, वकीलों ने सोमवार को रखा काम बंद। खरगोन के शेगांव में सड़क के गड्ढे ने ली बाइक सवार की जान। और इंदौर जिले के कायस्थ खेड़ी में सरपंच प्रतिनिधि का हुआ विरोध, लगे कई आरोप। अब खबरें विस्तार से। श्री दिगंबर जैन गोलापुर समाज द्वारा बीते दिनों इंदौर में एक सभागार में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के वरिष्ठों का सम्मान भी किया गया। दिगंबर जैन गोलापुरफ समाज के पदाधिकारियों और अधिवक्ता जीत जैन ने बताया कि समाज बंधुओं के द्वारा यह आयोजन वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। इसी तारतम्य में रविवार को माय मंगेश्वर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे और उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। समाज की महिला कार्यकारिणी द्वारा आयोजन में विशेष रूप से सहयोग दिया गया था। दिगंबर जैन गोलापुर समाज इंदौर का दीपावली मिलन समारोह एवं शपथ विधि समारोह रखा गया है, जिसमें हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी शपथ लेगी और इस कार्यकारिणी में समाज के विकास के लिए, समाज के लिए मांगलिक भवन का निर्माण करना, शहर के मध्य में ऑफिस उपलब्ध करवाना, समाज का सामूहिक जीवन बीमा करवाना, मेडिकल के क्षेत्र में जिसको भी जरूरत होगी उसकी मदद करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे समाज के छात्र यहाँ पर रह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, इस सब के लिए हमने फंड इकट्ठा किया है जिसके आधार पर हम मदद करेंगे। हमने समाज के एक वेबसाइट तैयार की है जिसमें भारतवर्ष के जितने भी दिगंबर जैन गोलापुर समाज के सदस्य हैं उनके परिवारों का पूरा डिटेल उस साइट पर मिलेगा, तथा समय समय पर जो शासन से प्राप्त सुविधाएं हैं वो हम समाज के सदस्यों को दिलवाने का भरसक प्रयास करेंगे। और हम इस पर यह नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समय समय पर समाज के लिए योजना बना करके चरणबद्ध तरीके से विकास करेगी और हमें आशा है कि हमारी समाज कम समय में अधिक विकास करेगी और एक ऐसा बेसिक विकास करेंगे जिससे समाज की प्रगति होगी। अखिल भारतीय अहीर यादव समाज द्वारा बीते दिनों इंदौर के पंचकुया स्थित युवक युवती परिचय सम्मेलन में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। समाज के अध्यक्ष गणेश यादव व संतोष यादव ने बताया कि कई वर्षों से यादव अहीर समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन व अन्नकूट का महोत्सव निरंतर किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के पंचकुया स्थित एक सभागार में रविवार को हुए आयोजन में क्षेत्र क्रमांक एक के विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने भी शिरकत की। साथ ही यादव समाज के युवक युवतियों ने मंच के माध्यम से अपना परिचय दिया। समाज के अधिकारियों के मुताबिक रविवार को हुए सम्मेलन में मध्य प्रदेश सहित यूपी, बिहार, झारखंड, अनेक राज्यों से सैकड़ों प्रविष्टियां आई हैं। यादव समाज द्वारा अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें प्लास्टिक मुक्त यादव समाज की सभी स्वजाति बंधु शपथ लेंगे। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यादव समाज की मातृशक्तियाँ पौधे वितरण का कार्यक्रम करेंगी। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ एक हमारे देवास से और एक महू से जो सीमा पर शहीद सैनिक लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे उनके परिवारों का सम्मान करके हमने इस कार्यक्रम का प्रारंभ करा है। बहुउद्देशीय संकल्पों को लेकर के यह यादव समाज का परिचय सम्मेलन और अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। यादव समाज, अखिल भारतीय यादव समाज की तरफ से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य ये है कि गरीब तबके के बच्चे बच्चियों का यहाँ पर मिलान हो और वो एक दूसरे के परिवार से जुड़े और अपने अपने बच्चे बच्चियों के लिए रिश्ते तय करें। दूसरा हमारा ये था कार्यक्रम में आज का जो प्रमुख है, हमारे दो सैनिक परिवार जो हैं जो सीमा के ऊपर अपने वो दे चुके हैं बलिदान, उन परिवारों का हमने सम्मान करा है। और इसके साथ ही विगत चार सालों से यह अन्नकूट का हमने नया एक कार्यक्रम इसको शुरू कर दिया। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकीलों के साथ हुई घटना के विरोध में सोमवार को वकीलों ने न्यायालयों में काम नहीं किया और पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग की।
इंदौर जिला न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि देश की राजधानी में दिल्ली पुलिस द्वारा पार्किंग विवाद के चलते वकीलों के साथ जो अभद्रता की गई उसके विरोध में सोमवार को वह कार्य नहीं करेंगे, जिसके चलते आज वकीलों ने अपना काम बंद रखा और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की। तबादले से प्रभु आप जानते हैं कुछ नहीं होता, ये तो तबादला हुआ, लाइन अटैच किया, यह गुस्सा शांत करने का तरीका, उन दोषी पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिनने झगड़े की शुरुआत अभिभाषकों के हवालात में बंद करके की और उनकी कार को क्षति पहुंचा के की। उन झगड़े की शुरुआत करने वाले पुलिस वालों और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। खरगोन जिले के सेगांव में शनिवार को एक बाइक सवार की गड्ढेनुमा सड़क के कारण दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऊबर खाबड़ सड़क पर बाइक सवार ने अपना संतुलन खो दिया और वह हादसे का शिकार हो गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मुख्यालय पर माताजी के समीप बनी पुलिया पर सोमवार की दोपहर बाइक सवार राजकिशोर चेतराम राठौड़ निवासी सिरपुर सड़क हादसे में घायल हो गया। सूचना मिलते ही घायल को शासकीय अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सेगांव से संतोष गोयल की रिपोर्ट। इंदौर जिले के गांव वालों ने एक होकर सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ मोर्चा खोला है। जी हां, यह मामला है सांवेर तहसील की ग्राम कायस्थ खेड़ी का, जहां ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि इंदर चौहान की दादागिरी और पंचायत में अपनी मनमानी से कार्य को लेकर ग्रामीण सरपंच के विरोध में हो गए हैं, जिसको लेकर बीती रात्रि को 10 बजे ग्रामीण सावे थाने पर सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने भी पहुंचे थे। यहां पर थाना प्रभारी द्वारा समझा बुझाकर ग्रामीणों को वापस भेज दिया गया था, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा था, जिसको लेकर रविवार की शाम को थाना प्रभारी योगेश तोमर कायस्थ खेड़ी गांव पहुंचे, जहां पर सभी ग्रामीणों के बीच समझौते हुए सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीणों से चर्चा की, जिसमें ग्रामीणों ने एक होकर सरपंच प्रतिनिधि का जमकर विरोध किया। सरपंच प्रतिनिधि पर आरोप है कि उसके द्वारा गांव वालों को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि यहां पर अवैध दारू भी बिक रही है, यह सब सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जा रहा है। आपको बता दें, सावेर तहसील में यहां सरपंच प्रतिनिधि के एक तरफा खिलाफ गांव पहली बार देखने को मिला है, जिसको लेकर सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ आवेदन पर सभी गांव वालों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। सावेर से कपिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर हंग्रेक के साथ।